जयत शरद सुदंगे बजत शरद सुदंगे बजत शरद सुदंगे नाचत लाल गोपाल रास नाचत लाल गोपाल रास सकल भेद बनो संगे सकल भेद बनो संगे तद्दी 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 तांग 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 तत्तत्ति तत्तत्ति छबेलो वृंदावन को रास्ता वृंदावन को रास छबेलो 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 वृंदावन को रास होले खेलत नंदलाल बिरज में 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 वृंदावन को रास छबेलो वृंदावन को रास बच्चों कैसा लगा रास बहुत अच्छा अच्छा लगा ना अच्छा समझ में आया हाँ जी क्या देखा उसमें हमने कृष्ण जी को नृत्य करते देखा कृष्ण जी को नृत्य करते हुए देखा ना हमने तो गोपियों को और राधा जी को भी देखा हाँ गोपी और राधा वो तो कृष्ण जी के साथ हमेशा ही रहती हैं और जैसे आपने देखा कि कैसे सब लोगों ने हाथ पकड़ रखे थे है ना देखा था ना और गोल गोल चक्कर में ऐसे ऐसे घूम रहे थे तो इसको कहते हैं रास मंडल क्या कहते हैं रास मंडल रास मंडल कहते हैं तो भगवान कृष्ण हमेशा रास लीला करते आए और मैंने बहुत वर्ष पहले करीब 1969 की बात है तो मैं वृंदावन गई वहां पर मैंने सबसे पहले रास लीला देखी तो ऐसा लग रहा था जैसे रास कथक की तो शिक्षा मैं ले ही रही थी रास में पहली बार देखने पहुंची तो ऐसा लगा कि जैसे कथक के ये बहुत करीब है कथक का और रास का बहुत गहरा संबंध है बच्चों वो मैं विस्तार से जब आप लोग कथक नृत्य की आप लोगों को मैं तालीम देना शुरू करूंगी और उसको देखते देखते क्योंकि रासलीला आप लोगों ने अभी तक देख ली है तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि रास और कथक का कितना गहरा संबंध है और ये बहुत जरूरी है जानना क्योंकि जब तक आप लोग समझेंगे नहीं कि रासलीला रास पक्ष क्या है कथक नृत्य क्या है तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये बताइए कि नृत्य सीखने के लिए हमें क्या करना होगा
सबसे पहली बात ये है कि नृत्य सीखने के लिए आप लोगों को सही शिक्षा लेनी चाहिए, सही गुरु के पास जाना चाहिए, और गुरु के पास जाके बिल्कुल ध्यान पूर्वक, अगर जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई ध्यान से पढ़ते हैं आप लोग, है ना जी। और जब आपके इम्तिहान आते हैं और ध्यान बढ़ जाता है आपका, है ना जी। और सारा साल पढ़ाई करते रहते हैं, करते जी। रहे ना, तो उसी तरीके से जब नृत्य की शिक्षा आप लोग आरंभ करते हैं तो नृत्य को बड़ा अपने मन में ढाल लीजिए। जो भी आपको समय पढ़ाई करने के बाद में बचे, उस समय आपको नृत्य जो सीख कर आते हैं आप, उसका अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अभ्यास। उमा जी, कथक में जो अंग संचालन और पद संचालन यानी पांव चलाना और मुद्रा के विषय में कुछ बताइए। तुमने मुद्राओं की मुझसे बात करी, मैं थोड़ी बहुत अभी बताऊंगी क्योंकि धीरे धीरे हम हर हिस्से पर जाएंगे। मुद्रा ये बनी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नमस्कार की मुद्रा बनी। नहीं, ये क्या है? फूल। फूल, समझ गए ना? तो फूल का खिलना और फूल का बनना, क्या होना? बनना। फूल का बंद होना, ठीक है। और ये क्या है? गरुड़। गरुड़ या पक्षी, अगर पक्षी दिखाएंगे तो इस तरीके से देखिए, ये पंख है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी मुद्राएं हम लोगों की बनती चलती हैं, और वो मुद्राओं को मैं धीरे धीरे आपको बताती चली जाऊंगी। अब हम आते हैं ताल पर। ताल और लयकारी कथक या किसी भी नृत्य में, गायन में, वाद्य में, हर तरीके से ताल पर हम आधारित हैं। अब उस ताल को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी मेरे साथ ताली बजाइए, मैं भी बजाऊंगी, और मैं 16 मात्रा गिनूंगी, ठीक है। 16 मात्रा आप लोग सब मेरे साथ में गिनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपने गिनी ना 16 मात्रा, तो 16 मात्रा जो है वो हम कथक नृत्य में तीन ताल उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन ताल। फिर से कहिए, तीन ताल। तीन ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। इससे पहले कि मैं आप लोगों को थोड़े से पांव पद संचालन की तालीम दूं आज, जो कि सबसे पहले हम आरंभ करते हैं जब कथक नृत्य की शिक्षा हम शुरू करते हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ वाद्य के बारे में बताना चाहूंगी। ये आप देख रहे हैं तबला है। तबला हमारे मुगल कालीन के समय से ये तबला आया, और कथक नृत्य हमेशा तबले के साथ होता है। इसका नाम क्या है? तबला। पता लग गया ना? अच्छा, मुबारक जी, तबला बजाइए जरा, देखिए कैसे आवाज है तबले की। अब इसमें जो आपने गिनती गिनी है वो बज रही है ना। तीन तीन आ, दिन, दिन, अब गिनिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। इसको कहते हैं कौन सा वाद्य है ये? सारंगी। सारंगी भी हमारा बहुत पुराना वाद्य है। इसको कहते हैं सितार। और इसके बाद में ये देखिए आप, ये एक बड़ा सुंदर इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही सुंदर वाद्य है, जिसको कौन बजाते हैं? कृष्ण जी। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, तो सुनिए जरा। इसकी आवाज अलग है बिल्कुल, ये बड़ी गंभीर आवाज है, ये बड़ा मुश्किल वाद्य है। चार तार है केवल इसमें, चार तारों से ये साज बजता है, इसको बोलते हैं सरोद। तो बच्चों, ये तो मैंने आप लोगों को वाद्य के बारे में बता दिया। अब हम शुरू करते हैं कैसे कथक नृत्य में खड़े होते हैं, उसको ताल में हम कैसे पद संचालन यानी पांव को चलाते हैं। तो कुछ बच्चे मेरे पास में आ जाए तो बाकी लोग
सब वही ताल देंगे, ठीक है, जो नहीं आए, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कैसे खड़े होने का ढंग। सबसे पहले बच्चों हमारे खड़े होने का कथक में ढंग है, ये आप लोगों ने मुद्रा बनाई थी ना, बनाइए, इसको क्या कहते हैं, आराला। क्या कहते हैं, आराला। और पांव साथ में रखते हैं, कभी पांव चौड़े नहीं रहने चाहिए, इसको साथ में करके बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए, एकदम हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, उसमें ऐसे ना झुके, ऐसे झुकेंगे तो बुरा लगेगा। और ये मुद्रा बना के आप लोग सब बनाइए, आगे करिए हाथ ताकि सब देखें, ये इसको ऐसे बनाइए, शाबाश, इस तरीके से ये मुद्रा बनती है। और ऐसे ये खास तरीका है, जब भी कोई हम टुकड़ा या कोई चीज़ ख़त्म करके आते हैं, अभी मैं बताऊंगी आपको धीरे धीरे, तोड़े टुकड़े परन, ये सब जो मुख्य शैलियां हैं हमारे कथक नृत्य की, तीन भागों में है। नृत्य यानी कि जिसमें तोड़े टुकड़े और परन, पैर का काम, ये सब उसमें आते हैं, उस हिस्से में। कौन से हिस्से में आते हैं? केवल नृत्य में। सब लोग बोलिए, नृत्य में। दूसरा आता है नृत्य, जैसे ये पोज बनाया, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए, क्या है ये? बांसुरी, यानी कि कृष्ण बजाते हैं। तो गत भाव, जैसे ये बनाया मैंने, तो ये घूंघट है, अगर आप दुपट्टा या साड़ी का पल्ला सिर पे ऐसे खींचे तो आपका चेहरा ढक जाएगा, उसको पकड़ेंगे पलटेंगे तो दुपट्टा चेहरे पर से हट गया, फिर आप देख सकते हैं, इसको ऐसे खिसकाया पलटा तो वो घूंघट जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, घूंघट। तो मैं घुंघरू बांधती हूँ, फिर इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा पैर का काम करते हैं। घुंघरू बांधने से पहले आप लोग गुरु घुंघरुओं को नमस्कार करिए, फिर उसको गुरु के पास में ले जाइए, गुरु से इजाज़त लीजिए और आशीर्वाद लीजिए, फिर उसके बाद में घुंघरुओं को आप ध्यान करके और बांधिए और गुरु प्रणाम करिए, भूमि पूजन कीजिए, फिर अपना अभ्यास शुरू करें या गुरु से शिक्षा आरंभ करें। गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है, इसको हमेशा याद रखिए। देखिए इस तरीके से घुंघरुओं को लपेटते हैं, धीरे धीरे इसको समझाऊंगी। और ये कौन सी लय में चलेगा, कौन सी ताल में? 16 मात्रा तीन ताल, जैसे ता थेई थेई त आ थेई थेई त आ थेई थेई त आ थेई थेई Thank you.
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सीधे पांव से शुरू करते हैं, ये हमारी प्रारंभिक तत्कार यानी कथक नृत्य की सबसे पहली शिक्षा है और इसको बहुत अगर आप अभ्यास करेंगे तो बहुत तेजी से जाएगा। अभी ने मैं बताऊंगी, वो अगली बार बताऊंगी कि कितना तेज यही पैर का काम होता जाता है, लेकिन केवल यदि हम अभ्यास करें तभी होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। तो अब आप लोग आइए मेरे साथ में, कुछ जने हम लोग सब मिलके करते हैं। आप लोग ताल देंगे, ठीक है, 16 मात्रा की ताल देंगे, ठीक है। सब लोग बैठे नीचे, भूमि छुइए, नमस्कार करिए बैठे बैठे, अब खड़े हुइए और सीधे पांव से एक मारिए और सामने देखिए। अब सब लोग शुरू हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 सब नमस्कार करिए। अब क्या करेंगे आप लोग, चलिए प्रणाम करिए, चलिए आइए 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 सब लोग आशीर्वाद। बच्चों गुरु प्रणाम जरूर करना चाहिए, यह हमारी पुरानी पद्धति है,